लाहौर की सीरीज में हमने सबसे पहले वॉल्ट सिटी ऑफ लाहौर और उसके गेट्स को एक्सप्लोर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये लिंक लगा हुआ है, पहले वो देख लें। और उसके बाद लाहौर में मौजूद हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया, जिसकी वजह से लाहौर को एक मुनफरिद शनाख्त मिलती है। शनाख्त की बात हो तो एक जगह की शनाख्त वहाँ पे बसने वाले लोगों से भी होती है। यही वजह है कि हमने लाहौर में मौजूद उन अहम पर्सनैलिटीज के टूम्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया जिनकी वजह से लाहौर को जाना जाता है। इसी फहरिस्त में एक और बड़ा नाम जिन्होंने फलसफे की दुनिया में बहुत बड़ा मर्तबा हासिल किया, जिसके बायस उन्हें हकीमुल उम्मत के लकब से नवाजा गया, डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल, जिन्हें शायर मशरक के नाम से भी जाना जाता है, वो भी यहाँ लाहौर में मदफून। अलामा इकबाल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सिलेबस में लिखवाए जाने वाले मजामीन की वजह से हर बच्चा उन्हें जानता है। तो आज की वीडियो में हम उनकी शख्सियत की बजाय लाहौर में मौजूद उनके टूम के बारे में बात करेंगे। अलामा इकबाल का मजार लाहौर के हजूरी बाग में बाग है। अगर आप बादशाही मस्जिद या लाहौर फोर्ट जाएं तो लाहौर फोर्ट और बादशाही मस्जिद के दरमियान जो लॉन है उसे हजूरी बाग कहा जाता है। 1938 में अलामा साहब के रुख्सत होने के बाद मुसलमानों की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसे चौधरी मोहम्मद हुसैन ने चेयर किया। उस कमेटी ने फैसला किया कि अलामा साहब का टूम यहाँ लाहौर में बनाया जाएगा और उसको बनाने के लिए लोकल गवर्नमेंट से या किसी भी ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव बॉडी से डोनेशन नहीं लिए जाएगा। फंड्स ना होने की वजह से खासी मुश्किल पेश आई, पर अलामा साहब के दोस्तों और उनके मुरीदों ने कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन करके एक रकम इकट्ठी की और इस टूम की बुनियाद रखी। इस मकबरे का डिजाइन हैदराबाद दक्कन के चीफ आर्किटेक्ट नवाब जैन यार जंग बहादुर ने बनाया, जिसमें मुगल आर्किटेक्चर का स्टाइल खासा डोमिनेंट है। इस मकबरे का एक्सटीरियर रेड सैंड स्टोन से बनाया गया, जो कि जयपुर इंडिया से मंगवाया गया था, और इस मकबरे के अंदर मार्बल का काम किया गया जो कि मकराना राजपूताना से मंगवाया गया। इस टूम की खिड़कियों और दरवाजों के अंदर लैपिस लजूली मार्बल का इस्तेमाल किया गया जो कि अफगानिस्तान की तरफ से तोहफा दिया गया। इस मकबरे के अंदर छत पर अलामा साहब की लिखी गई नज़्म ज़बूरे अजम के आशार लिखे गए। ये मकबरा बज़ाहिर तो छोटा सा है, पर इसको बनाने में 13 साल का तवील अरसा लगा, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तान के क़याम के बाद रेड सैंड स्टोन की एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन। जब अलामा साहब की यहाँ तदफीन हुई तो तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने मौलाना रूमी की कब्र की मट्टी यहाँ पर भेजी और अलामा साहब की तदफीन के वक्त उसे कब्र में डालने की ख्वाहिश का इजहार, जिसे पूरा किया गया। तो इस तरह लाहौर शहर की मट्टी के अंदर मौलाना रूमी की कब्र की मट्टी भी शामिल है। ये थी लाहौर की आज की एपिसोड, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि आने वाली वीडियोज आपको मिल सके। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।